वचन में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के टाइटल को तो आपने पढ़ ही लिया होगा, क्रूस उठाने का अर्थ क्या है। मैं इस ऑडियो क्लिप को आपके सामने रख रहा हूँ आज, क्योंकि मुझे इस वीक में टाइम नहीं मिल पाया था कि मैं इसको वीडियो में आपको बता सकूँ, तो पर मुझे लगा कि नहीं, मैं इसे भले ऑडियो के तौर पर ही, लेकिन मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूँ। लूका 9 अध्याय के 23 वचन में ऐसा लिखा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। बहुत सारे लोगों ने मेरी सेवकाई में मुझसे ये सवाल पूछा है कि क्रूस उठाने का मतलब क्या होता है। मुझे लगा क्यों ना मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको दे दूं, ताकि आपको हमेशा इस बात का अर्थ पता हो। बहुत सारी अलग अलग सरकारें हैं इस दुनिया में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे भारत में फांसी की सजा मिलती है कुछ लोगों को जो बहुत ही बड़े क्रिमिनल होते हैं। बेबीलोन की सरकार जो है वो लोगों को आग के भट्ठे में डालती थी और भूखे शेरों के सामने फेंक दिया करती थी। एक टाइम था जब चाइना में लोग इस तरह की सजा पाते थे कि उनको गन मशीन से उड़ा दिया जाता था। हर देश की अपनी एक अपना एक लॉ है। वैसे ही रोम की जो गवर्नमेंट थी वो बड़े बड़े क्रिमिनल्स को एक लकड़ी पे हाथ को फैला के उनको टांग दिया करते थे, जैसे हमारे प्रभु को उन्होंने मारा था। यीशु कहता है अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपना इनकार करे, और सेकंड थिंग वो कहता है वह अपनी सलीब उठा के मेरे पीछे हो ले। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ इस एक ही लाइन के दो मतलब हैं। सबसे पहले तो आप में से हर एक को ये बात पता होनी चाहिए कि हम सिर्फ यीशु से पाने के लिए नहीं आए हैं। आज हमारे बहुत सारे प्रचारक भाई सिर्फ एक ही हिस्सा बताते हैं कि प्रभु आपको देने आया। जी हाँ, मैं भी ये बात मानता हूँ कि प्रभु हमें बहुत कुछ देने आया, चंगाई, छुटकारा, बरकतें, आशीषें, वो हमारे बहुत सारे रुके हुए कामों को करता है। जी हाँ, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा, लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जो हम में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना है कि यीशु ने ये भी कहा है कि अगर आप उसके पीछे चलना चाहते हैं तो आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी, एक आपके खुद का इनकार, दूसरा अपनी सलीब, अपना क्रूस उठा के उसके पीछे हो लेना। याद रखिए, यीशु ने ये नहीं कहा कि अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले शैतान से लड़ना होगा। जी नहीं, शैतान को उसने क्रूस पे हरा दिया है। शैतान अब हमारे लिए उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है जितना हम समझते हैं। ये बात सच है कि जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते, प्रेयर नहीं करते, जो उपवास नहीं करते, जिनका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है, जो सिर्फ अपने मन और अपने शारीरिक अभिलाषाओं में चलते हैं, उनके लिए शैतान बहुत स्ट्रांग है। वो उन्हें जैसे चाहे वैसे घुमा लेता है। लेकिन जो लोग आत्मा में जीते हैं, जो लोग हर दिन दुआ करते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, जो लोग खुदा के साथ बने हुए रहते हैं, वे हर दिन शैतान पे हावी होते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम किसे स्पेस दे रहे हैं, किसे चांस दे रहे हैं। बाइबल कहती है अगर आप प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं तो आपको और मुझे अपना इनकार करना पड़ेगा और अपनी सलीब उठानी पड़ेगी। इस एक ही लाइन के दो अर्थ हैं। पहली चीज, अपना इनकार करना। प्रभु में आगे बढ़ने में, प्रभु के पीछे चलने में अगर सबसे बड़ी कोई आज रुकावट है तो वो शैतान नहीं है, वो हम खुद हैं। बहुत बार हमारी आंखें, हमारा बदन, हमारा मन कुछ गलत करने की कोशिश करता है और कई बार हम उसका इनकार नहीं करते, पर हम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करके हम उन्हें और स्ट्रांग बना देते हैं। याद रखिए, जब एक इच्छा को पूरा किया जाता है तो वो इच्छा और भी स्ट्रांग बन के और भी बच्चों को जन्म देती है, फिर आपके अंदर और इच्छाएं पैदा होती हैं। सही इच्छा पूरी होना कोई पाप नहीं है, लेकिन बहुत सारी इच्छाएं बड़ी गलत होती हैं। जैसे कि कुछ कुछ लोगों को इच्छा होती है कि वे बॉलीवुड की मूवीज देखें। मैं नहीं कहता कि बॉलीवुड में हर मूवी गंदी होती है, हर मूवी जो है वो वल्गर होती है, लेकिन आज बहुत जगहों पर आप देखते होंगे कोई ऐसी मूवी नहीं है जिसमें आज वल्गैरिटी ना हो, नॉनवेज बातें ना हो, या आपके माइंड के अंदर गंदगी या तो आपके माइंड को करप्ट ना करें। हर मूवी आजकल आपको कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर सिखाएगी जिससे आपके मन अशुद्ध हो ही जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने आप का इनकार नहीं करते, आप इन चीजों को देखते रहते हैं,
तो ये चीजें और भी आपके अंदर बढ़ती जाएंगी। अगर आप सच में प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना इनकार करना सीखना है। अपना इनकार करने का मतलब होता है जब आपके बदन में से ऐसी अभिलाषाएं उठती हैं जो खुदा के खिलाफ है, तो आपको उन्हें सीखना है, उन्हें मारना उसके अनुग्रह से। मैं जानता हूं ये हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम खुदा के पास जाएं और उससे कहें कि प्रभु हम जानते हैं ये आपके खिलाफ है और हम ये नहीं करना चाहते, तो वो निश्चय आपको अपना अनुग्रह देगा। जिसे इब्रानियों में लिखा है, आओ हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के समीप चलें ताकि हम पर दया हो और हम वह अनुग्रह पाएं जो हमारी सहायता करे। बिल्कुल, अगर हम उसके पास जाएं तो वो हमारी जरूर सहायता करेगा। अगर आप प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी अभिलाषाओं को मारना होगा, अन्यथा ये हमें खुदा के आगे नहीं पर उसके बहुत दूर ले जाएंगी। दूसरी चीज यीशु यहाँ कहते हैं कि अपनी सलीब उठाना। जब भी रोम की सरकार किसी व्यक्ति को सलीब पर मारती थी तो ये एक संदेश, एक पैगाम, एक मैसेज था लोगों के लिए कि इस आदमी ने कुछ वर्स्ट किया है, इस आदमी ने कुछ बहुत गलत किया है, इसीलिए इसे इस तरह की मौत हम मार रहे हैं। यीशु कहता है अपनी सलीब उठाओ। यीशु ने कोई पाप नहीं किया था फिर भी उसने सलीब उठाई। आप याद रखिए, सलीब उठाने का मतलब है लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जो लोग सलीब पे चढ़ते थे लोग उन्हें दुष्ट समझते थे, लोग उन्हें पापी और बहुत बड़ा गुनहगार समझते थे, लेकिन यीशु ने कहा अपनी सलीब उठाओ। इसका अर्थ है इस बारे में मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। आज आपको पता होगा बहुत सारे लोगों की जिंदगी में यही एक प्रॉब्लम है, उनको सारा दिन यही बातें खाती है कि ये मेरे लिए ऐसा क्यों सोच रहा है, वो मेरे लिए ऐसा क्यों सोच रहा है, ये मेरे लिए इस तरह बात क्यों कर रहा है, वो मेरे लिए इस तरह बात क्यों कर रहा है। कभी कभी तो हम पूरा दिन निकाल लेते हैं इन बातों को सोचते सोचते और चर्चाओं में कि इसे मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। याद रखिए, यीशु ने कोई पाप नहीं किया था फिर भी उसने अपनी सलीब उठाई, और उसने किसी को सलीब बाजू में रखकर एक्सप्लेन नहीं किया कि मैं अपने नहीं तुम्हारे पाप उठा रहा हूं। उसने कभी किसको कुछ नहीं कहा, वो लगातार उसे उठाए रहा क्योंकि ये खुदा की मर्जी थी। सलीब उठाने का अर्थ है आप सही जिंदगी जिए और इस बात की परवाह न करें कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। याद रखिए, इस दुनिया में पापियों को बहुत इज्जत मिलती है, लेकिन अगर आप सच्चाई के साथ चलेंगे आपका मजाक उड़ाया जाएगा, आपको नैरो माइंडेड कहा जाएगा, आपके लिए तरह तरह की बातें की जाएंगी, आपको बहुत ही सत्यवादी करके पुकारा जाएगा जो कि एक ताना होगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, नूह ने जब जलयान बनाया तो लोग उसकी भी मजाक उड़ा रहे थे लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन आया जब हन्ना ने भी अपनी सौतन को इग्नोर करना स्टार्ट किया क्योंकि उसको खुदा ने कहा था कि मैं तुझे बच्चा दूंगा। यीशु मसीह का मजाक उड़ाया जाता था, लोग उसे पेटू, पेयक्कड़, बालजबूल, सामरी, पता नहीं क्या क्या नाम देते थे, पर वो कभी उन्हें कुछ नहीं कहता था। उसने अपना लक्ष्य पूरा किया। मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं, अपना इनकार करें और अपनी सलीब उठाएं और उसके पीछे हो लें। याद रखिए, साधु सुंदर सिंह एक लाइन हमेशा कहते थे, जब तक जिंदा हो अपनी सलीब उठाओ क्योंकि ये मौका तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सलीब उठाने का मतलब है एक सही जिंदगी जीना, और लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं इस विषय में कोई चिंता न करना, अपने खुदा के लिए जीना। मैं उम्मीद करता हूं एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन जो मैंने इस वर्ड के ऊपर दी है आपको समझ आई होगी। यदि आपने आज के वचन से बरकत पाई, आशीष पाई, तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और हमेशा की तरह मैंने एक आर्टिकल लिखा है जिसका नाम है सलीब, क्रूस भी आप लिख सकते हैं इंग्लिश में क्रॉस। इस समय आपके स्क्रीन पर एक नंबर है, आप चाहें तो आप हमें अपना नाम और आप कहां से हैं और आप इतना लिख सकते हैं सलीब। हमारे पास हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है आर्टिकल्स, हम आपको भेज देंगे। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आप सबको जय मसीह की।